हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? माई सेल्फ रणवीर जाखड़, टीम कमस्सी, सीएलसी सीकर। आज अपन पेपर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मिड सेशन टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2022, जिसमें से अपना पेपर नंबर है सेकंड। ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सवाल 51, सेक्शन ए। अब नीट के अकॉर्डिंग आपको पता है एनटीए ने 200 नंबर सवाल का कर दिया है पेपर, तो इसका मतलब 50 सवाल हर सब्जेक्ट के, चारों सब्जेक्ट के अपने को मिलेंगे, जिसमें से सेक्शन दो बनाए गए हैं हर पार्ट के। सेक्शन दो यानी कि सेक्शन ए में अपने बात करेंगे 35 नंबर सवाल आएंगे और 35 में से 35 करने कंपलसरी हैं, और सेक्शन बी में अपने को 15 सवाल मिलेंगे जिसमें से आपको 10 सवाल करने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट आप 10 सवाल करते हो वही आपके राइट माने जाते हैं। ठीक है, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोविंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आई माइनस आई इफेक्ट की बात हो रही है। माइनस आई इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो आपको पता है सबसे ज़्यादा किसकी होती हैं, भला NF3 पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद में किसका नंबर आता है, SR2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में NS3 पॉजिटिव। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कौन आता है, CF3। उसके बाद में बात करें तो NO2। उसके बाद में CN। उसके बाद में SO3H। उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन का नंबर आता है, फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसके बाद में अपने पास क्या आता है, OR, उसके बाद में OH, उसके बाद में अपने पास क्या आता है, ट्रिपल बोन, उसके बाद में NS2 और उसके बाद में PH, उसके बाद में आता है डबल बोन की कहानी आती है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों अपने को क्या दे रखा है, यहाँ NR3 पॉजिटिव को अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे NR3 पॉजिटिव लगाएंगे। कहाँ पे NR3 पॉजिटिव, SR2 से पहले आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा NF3 की, उसके बाद में NR3 पॉजिटिव, उसके बाद में SR2 पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसकी बात करें तो ना ये गलत हो गया, ये क्या आना चाहिए था, ज़्यादा और CN बाद में मिलना चाहिए था। सेकंड की अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन, OH और एल्डिहाइड, ये भी इन दोनों से ही पहले आता है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, OR दे रखा है, NS2 दे रखा है और डबल बोन दे रखा है, तो OR ये रहा अपने पास, NS2 ये रहा, डबल बोन ये रहा, इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो देखो NS3 पॉजिटिव दे रखा है, O नेगेटिव का कौन सा इफेक्ट होता है दोस्तों, प्लस आई इफेक्ट होता है, और BR का माइनस आई होता है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो कौन सा राइट है, थर्ड ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 52 क्या कह रहा है दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोविंग हैज एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। एरोमेटिक अपने को पता है दोस्तों क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए, 4N+2 पर इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, वो क्या है, एरोमेटिक है। इसका मतलब ये, इसकी बात करें तो ये कैसा है, साइक्लिक तो है बट नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिड नहीं है इसमें, कैसा है, sp3 है। sp3 कैसी है, 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि नॉन प्लेनर है। इसमें बात करें तो भी कौन सा है, sp3 है। इसकी अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये कौन सा है, भला sp3 है, और इसकी बात करें तो देखिएगा कौन है, 6 pi इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या मिलेगा अपने को, एरोमेटिक है। तो बेंजीन पता नहीं ये कौन सा नशा करती है, तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नशा इसको किसका है, एरोमेटिक का है दोस्तों, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें तो कौन सा है सवाल नंबर अपने पास 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, यानी कि नॉन पोलर, क्या देखी जाती हैं, नॉन पोलर। उसके बाद में क्या देखी जाती हैं दोस्तों, पोलर। पोलर में भी क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू ऑक्टेट अनकम्प्लीट से। ऑक्टेट अनकम्प्लीट है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, लेस रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अच्छा लगता है, मोर ई एन एटम पे ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, और नेगेटिव चार्ज लेस ई एन एटम के ऊपर है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, लेस रहेगी। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर अच्छा लगता है दोस्तों, लेस ई एन एटम के ऊपर अच्छा लगता है, और पॉजिटिव चार्ज
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और पॉजिटिव चार्ज मोर एन एटम के ऊपर है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, अंबानी जी कंगाल हो गए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं फिलहाल। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो देख लो, सबसे पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर, नॉन पोलर स्ट्रक्चर कौन सी है, फर्स्ट है, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वैलेंस स्ट्रक्चर कौन सी है, फर्स्ट, इनके ऊपर दोनों पे क्या है दोस्तों, चार्ज है। फिर अपन क्या देखेंगे, ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, देखो इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, 4 बोन है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी बात करें तो कार्बन पे क्या है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट अनकंप्लीट हो गया, और ऑक्टेट अनकंप्लीट हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, लेस हो गई। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा दोस्तों, 1 2 3 आ जाएगा, देख लो दोस्तों कौन सा ऑर्डर मिल रहा है अपने को, फर्स्ट आंसर अपना राइट है, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो कौन सा दे रखा है, 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट की बात हो रही है। माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी NO2, उसके बाद में किसका नंबर आता है, CN का, उसके बाद में किसका नंबर आता है दोस्तों, SO3H का, उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन का, उसके बाद में किसका नंबर आता है दोस्तों, अगर अपन बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर बाद में आता है, ठीक है, उसके बाद में एमाइड का नंबर आता है, ठीक है, उसके बाद में किसका नंबर आता है, एमाइड का, ठीक है। और अगर कोई कहे तो एस्टर लेना है तो एस्टर ले लोगे तो दोस्तों एसिड से क्या मिलेगा, ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसका प्लस एम ज्यादा होता है कंपेयर टू OH से। तो यहां माइनस एम का ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा NO2 मिलेगी, उसके बाद में CN मिलेगा, उसके बाद में एल्डिहाइड मिलेगा, और उसके बाद में CWH का नंबर आएगा। तो कौन सा आंसर की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों, सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो कौन सा सवाल है, 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोविंग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस इज पॉसिबल, यानी कि पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन के कारण, यानी कि ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण कौन स्टेबल है दोस्तों, देख लो वी स्थानीकरण पूछा गया है। वी स्थानीकरण यानी कि किसको बोलते हैं, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अनपेड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वैकेंट ऑर्बिटल पास में है, तो इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे, बीवी, बैक बॉन्डिंग, यानी कि कैसा है दोस्तों, डीलोकलाइजेशन। तो देख लो इसमें डीलोकलाइजेशन है क्या, नहीं है दोस्तों, पाई सिग्मा, सिग्मा पाई हो गया, इसका मतलब कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। यहां पे बात करें तो दोस्तों पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, यस स्टेबिलिटी है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें बात करें तो पाई सिग्मा, सिग्मा पाई हो गया दोस्तों, दो बार सिग्मा आ गया, इसका मतलब रेजोनेंस खत्म हो गया, यहां पे नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब कौन सा आंसर, सेकंड आंसर, बिल्कुल आसान सा सवाल था। नेक्स्ट बात करें तो अपने को क्या दे रखा है, 56 नंबर सवाल, द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन द फ्लोइंग कंपाउंड, ये क्या पूछता है दोस्तों, कि ये कह रहा है कि कार्बन sp2 होना चाहिए और उसमें कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे बात करें तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ sp3 है, इधर भी sp3 है, यहाँ sp2 है, और यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ sp3 है, यहाँ पे sp और sp है, यस करो, जी हाँ, sp2 की बात हो रही है दोस्तों, sp2 इन दोनों के बीच में कार्बन कार्बन में क्या है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे बात करें तो ये sp2 sp3 है, इसकी बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है, sp2 की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी sp2 के बीच में कार्बन कार्बन क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे दोस्तों, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 sp2 हाइब्रिड कार्बन है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन की बात हो रही है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, तो कौन सा लिखेंगे, एक ये आपका सिग्मा है और एक ये आपकी सिग्मा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल, 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है विच ऑफ द फ्लोविंग एक्सिबिट हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हो रही है दोस्तों, हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करेगा दोस्तों, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसके क्या हो, डबल बॉन्ड के साथ में क्या हो दोस्तों, अल्फा हाइड्रोजन sp3 होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन sp3 है तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा, कार्बोकेटाइन का पड़ोसी कार्बन अल्फा एच रखता है, sp3 होना चाहिए, वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो गई, कार्बेनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होता। तो देख लो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है क्या दोस्तों, अल्फा कार्बन येरा, ये अल्फा कार्बन sp3 है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इधर बात करें तो ये pH आ गई,
तो ये इसके साथ में क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है, बट क्या नहीं है दोस्तों, हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होगा। इसकी बात करें तो इसमें रेजोनेंस है, दोनों रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन हो रहा है, बट क्या नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड का ठीक पड़ोसी कार्बन क्या रखता है, अल्फा हाइड्रोजन रखता है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन रखता है, इसका मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का सवाल अपने से पूछा गया था, कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर की ओर इशारा हुआ। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है अपने को, 58 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोविंग हैज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल की बात हो रही है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो देख लो दोस्तों, बेंजीन अगर कहीं भी अपने को दे रखी है तो पता नहीं ये कौन सा नशा करती हैं, और इसको किसका नशा है, अनुनाद का नशा है, यानी कि रेजोनेंस का नशा है, एरोमेटिक का नशा है, तो स्ट्रक्चर बनाओ, लुप्त उठाओ दोस्तों, साइक्लोहेक्सीन दे दी। साइक्लोहेक्सीन की अगर अपन बात करें तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब स्टेबिलिटी। फिर दूसरा देखेंगे तो क्या दे दिया, साइक्लोहेक्सा 1,2-diene, ये बहुत गड़बड़ की बात है, 1,2-diene हो गया दोस्तों। रिंग आपको पता है दोस्तों, वैसे भी ट्रिपल बॉन्ड रखना नहीं चाहती और लगातार डबल बॉन्ड वैसे भी नहीं रखना चाहती, क्यों, क्योंकि रिंग ऐसे रहना चाहती है, sp2 हाइब्रिड रहना चाहती है, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है या फिर लगातार दो डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब वो sp हाइब्रिड हो जाता है और वो रिंग को कहता है तू ऐसी हो जा। क्या पॉसिबल है ऐसी होना, नहीं है, इसका मतलब लगातार डबल बॉन्ड नहीं रहना चाहता, लगातार ट्रिपल बॉन्ड भी रिंग में नहीं रहना चाहता, क्यों, क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड कहता है लीनियर हो जा, लीनियर पॉसिबल नहीं है। यहां साइक्लोहेक्सा 1,1,3,5-triene दे रखा है, तो देख लो सब, अगर अपन बात करें 1,3,5-triene, ये लो जी बेंजीन है, सबसे ज्यादा इसी कोई नशा है, एरोमेटिक का सबसे ज्यादा स्टेबल यही है। फिर अपने को क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सा 1,3-diene दे दिया दोस्तों, 1,3-diene दे दिया, तो यहाँ पे अपने क्या दे दिया, 1,2,3, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुई, ये हुई एरोमेटिक के कारण, तो कौन सा आ जाएगी, ये बेंजीन है दोस्तों, ठीक है, बेंजीन का UPAC नाम दे रखा है, कौन सा आंसर आ जाएगा अपने, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है, 59 नंबर सवाल क्या पूछा गया है दोस्तों, इन विच ऑफ द फ्लोविंग इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस ऑल थ्री, ठीक है, ऑल थ्री पॉसिबल किसमें है दोस्तों, यानी कि तीनों हो, जिसमें तीनों हो, और तीनों ही कैसे होते हैं दोस्तों, ये स्टेबल इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। इसमें देखो क्या है, रेजोनेंस है, बाकी और कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो रेजोनेंस है, कौन सा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा, प्लस माइनस एम हो सकता है, यहाँ कौन सा है, माइनस एम। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो OH का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कौन सा इफेक्ट होता है, इंडक्टिव, यानी कि माइनस आई हो गया, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट रेजोनेंस नहीं है दोस्तों, इसमें रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे बात करें तो देखो पाई सिग्मा पाई, ये माइनस एम शो करेगा, इसका मतलब पाई सिग्मा पाई, यानी कि रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस के साथ साथ इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, देख लो अल्फा हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड के साथ में क्या करेगा, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी है, पता है आपको यहाँ पे CH2 है वो किसका इफेक्ट का काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट का काम करेगा, यहाँ पे भी जो है प्लस आई इफेक्ट का काम करेगा, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ इंडक्टिव इफेक्ट तो उपस्थित यानी कि प्रेजेंट रहता ही रहता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, फोर्थ, जिसमें तीनों करेक्टर प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा दे दिया आपने, 60 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे रखा है दोस्तों, फ्लोविंग कंपाउंड इज, अब आपको पता है कि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस के कारण अपन देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करेक्टर और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, किसके कारण, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, ठीक है। यानी कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, किसके कारण, कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अपने को पता है, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन, पाई बॉन्ड जिसमें ब्रेक होता है तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब रेजोनेंस मोर इफेक्टिव होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस है,
ठीक है। और यहां पे भी बात करें तो देखिएगा दोस्तों क्या है, रेजोनेंस है, तो यहां पाई सिग्मा पाई ये यहां से चल के इस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इन दोनों में रेजोनेंस है। और यहां पे अगर अपन बात करें तो दोस्तों इन दोनों में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इन दोनों में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू अल्फा एच, तो अल्फा एच के कारण कितनी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ही ज्यादा सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे। तो यहां इन दोनों में बात करें तो इसकी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी। और इन दोनों में अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, रेजोनेंस है ज्यादा, ठीक है, यानी कि मोनोसाइक्लिक रिंग दे रखी है जिसमें क्या है डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, कंप्लीट लोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन है, तो इसका मतलब इसमें अनुनाद ज्यादा होगा, रेजोनेंस ज्यादा है, रेजोनेंस का इसको नशा भी है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसी की मानी जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ में सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के करेक्टर सबसे ज्यादा आएंगे, किसमें भला, फोर्थ में। उसके बाद में इसमें रेजोनेंस है और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, दो नंबर, और उसके बाद में एक, देख लो दोस्तों कौन सा आ जाएगा, चार तीन, चार तीन दो एक, यही अपनी क्या आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है, 6-1 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बातें हो रही है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। तो देख लो दोस्तों हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा की अगर अपन बात करें तो HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या हो, रेजोनेंस का नशा होता है, अनुनाद एरोमेटिक का नशा होता है, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम भी हो जाती है। एग्जाम्पल कौन है, बेंजीन, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी के उल्टा कर देंगे, स्टेबिलिटी के उल्टा दोस्तों कब करेंगे, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होंगे तभी उल्टा करेंगे, अदरवाइज उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अगर अपन बात करें तो HOH, तो देख लो दोस्तों HOH की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी, अब इसमें भी वन पाई बॉन्ड है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का क्या कर देते हैं, उल्टा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ट्रांस है, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन सिक्स है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन सिक्स है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, टू ही है, तो सबसे लिस स्टेबल यही है, इसका मतलब HOH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, थर्ड की। अब फर्स्ट और सेकंड में अगर अपन बात करें तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, क्यों, क्योंकि ट्रांस में क्या होती हैं, बल्कि ग्रुप दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, यही पोजीशन है शाहरुख खान वाली पोजीशन, यानी कि ट्रांस और ये कौन सी है सिस और ये कौन सी है ट्रांस, तो ये CH3 क्या हो गए, बल्कि बल्कि ग्रुप एक दूसरे से क्या हो गए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो गए, इसका मतलब रिपल्शन लेस होगा, यानी कि वंडरवाल रिपल्शन कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा, इसलिए अपन बोलते हैं कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो सिस कि स्टेबिलिटी कम हो गई तो HOH की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा, तो इसका मतलब कौन आएगा, सेकंड और उसके बाद में फर्स्ट, ठीक है। तो देख लो दोस्तों कौन सा है, 3-2-1, यही अपना आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा दे रखा है अपने पास, सवाल नंबर 62, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन पूछा गया है, बेंजाइलिक यानी कि बेंजीन, बेंजीन अपने को दे रखी है, इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, टोलुइन बोला जाता है, टोलुइन में से एक हाइड्रोजन को अगर निकाल दें अपन तो क्या बन जाता है दोस्तों, बेंजाइल बनता है, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक, ठीक है, यानी कि कौन सा है, बेंजाइलिक। अगर दो हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल बन जाएगा, और तीनों निकाल देंगे तो बेंजो बन जाएगा, यस कि नो, यस। यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो डबल बॉन्ड का ठीक पड़ोसी कार्बन, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये भी क्या है, अल्फा, ये सारे बेंजाइलिक हैं, तो इसके पास कितने हैं, थ्री हैं, इसके पास वन है, इसके पास टू है, तो कितने हो गए दोस्तों, सिक्स हो गए, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बात करें अपने को कौन सा दे रखा है, 63 नंबर सवाल, बेहद ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों, क्या पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट की बातें हुई हैं दोस्तों, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका है, NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है दोस्तों, माइनस एम इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वाला मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, देखो CH3 का कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे ही होता है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों, H हाइपर कॉन्जुगेशन दे रखा है,
ये बोन यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मजे से उछल कूद करती हुई ऊपर की ओर ही जा रही है। ये प्लस एम शो प्लस एच शो कर रहा है और ये ऊपर की तरफ ही खींच रहा है। मजे हो गए ना दोस्तों, ये ऊपर की ओर ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो ऊपर की ओर ही खींच रहा है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन हो गई, सबसे ज्यादा इसी का मिलेगा। अब सी एस थ्री का हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं होगा, कौन सा होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। कौन सा? प्लस आई इफेक्ट होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ ही जा रही है लेकिन ज्यादा किसकी हो गई? फर्स्ट की ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे बात करें तो दोस्तों यहां सबसे ज्यादा प्लस एच है बट यहां पे एक क्या हो गया? पंगा। पंगा कौन सा है दोस्तों? पंगा के कारण ये बहुत ही पछता रहा है। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? बढ़ाने के लिए आए थे, इलेक्ट्रॉन देने के लिए आए थे, प्लस एच शो कर रहे हैं लेकिन ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? एस आई आर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस शो करेंगे दोस्तों। अनुनाद की तीव्र बाधा प्रदर्शित कर देंगे, क्राउडिंग कर देंगे, जिसके कारण NO2 क्या हो जाएगा? रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और NO2 घूमने लग गया। अब घूमने लग गया तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा और रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया तो क्या बचा? ओनली ऑन माइनस आई इफेक्ट बचा और माइनस आई इफेक्ट आपको पता है वीक इफेक्ट होता है कंपेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट के। इसका मतलब इन दोनों में मेसोमेरिक लग रहा था और यहां इंडक्टिव आ गया तो सबसे ज्यादा किसका मिलेगा? पहले का, उसके बाद में दूसरे का और तीसरे का क्या हो गया? सबसे कम हो गया। तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा। यस नो, इसे क्या बोलते हैं? एस आई आर इफेक्ट बोलते हैं। ऑर्थो के ऊपर कोई बल्कि ग्रुप आ जाए जिसके कारण वो दोनों आपस में रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा? एनओ टू रिंग के आउटो प्लेन हो जाएगा। आउटो प्लेन होते ही वो उसके साथ में क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि माइनस एम शो नहीं कर पाएगा और माइनस एम शो नहीं कर पाएगा तो दोस्तों केवल इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर? फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, इसी कड़ी में आगे बढ़े तो कौन सा सवाल दे रखा है अपने को? 64 नंबर। देखिए सवाल क्या है दोस्तों? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, एच ओ सी, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों किसके? नंबर ऑफ कार्बन के। नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब उतनी दहन की सुषमा ज्यादा निकलेगी। इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी का उल्टा करना है। कब करना है दोस्तों? जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? सेम हो। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? सेम हो तभी क्या करना है? स्टेबिलिटी का उल्टा करना है, अदरवाइज नहीं करना। क्यों? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में स्ट्रेन क्या होती है दोस्तों? मिनिमम होती है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, चेयर फॉर्म में मिलती है। थ्री मेंबर रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? पताल में घुसी हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसके पास भी सिक्स कार्बन है, इसके पास भी सिक्स कार्बन है, इसके पास भी सिक्स कार्बन है और सिक्स कार्बन है तो अपन स्टेबिलिटी का क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? 4, 3, 2, 1। तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी? 1, 2, 3, 4 की मिलेगी, फर्स्ट की मिलेगी। जिसकी स्टेबिलिटी कम इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि हीट ज्यादा रिलीज करेगा, तो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा दे दिया दोस्तों? 65 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों कहानी क्या बयां करती है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फ्लोइंग कंपाउंड विल बी। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई है दोस्तों। एक तो अपने क्या दे रखा है? फॉर्मिक एसिड दे रखा है, एक बेंजोइक एसिड दे रखा है और फिर अपने को क्या दे रखा है? कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड किसको बोलते हैं दोस्तों? फिनोल को बोलते हैं। और कार्बिनोल किसको बोला जाता है? CH3OH, मेथेनोल को बोलते हैं कार्बिनोल। ठीक है, अल्कोहल के लिए। तो जैसे ही अपने क्या देखेंगे, एसिडिक सेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के। एच निकलने के बाद में जो एनायन बनता है, नेगेटिव वाला पार्ट बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं। और कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब किसी को निकालने के बाद में जो जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा वही उसकी क्या है दोस्तों? एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो इसके ऊपर जो नेगेटिव आएगा इसका मतलब टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। इसके ऊपर जो नेगेटिव आएगा एच रिलीज करने के बाद में तो ये क्या बनेंगी? टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज मोर यून एटम से मोर यून एटम पे, यानी कि सेम से सेम पर ट्रांसफर हो। नेगेटिव चार्ज मोर यून एटम से मोर यून एटम पे, यानी कि सेम से सेम पे जाए, जिसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड में इक्वल कंट्रीब्यूशन हो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, या जितनी भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक है, उनका ज्यादा क्या हो? रेजोनेटिंग हाइब्रिड में क्या हो? इक्वल योगदान हो, उसे अपन क्या बोलते हैं?
इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि तुल्यांकी अनुनादी संरचना बोला जाता है। ठीक है, इसमें तो क्या बनता है दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। इसकी भी इक्विवेलेंट नहीं बन पाती, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन के साथ में भी क्रॉस कॉन्जुगेशन कर लेता है, इक्विवेलेंट के साथ साथ में कॉन्जुगेशन कर लेता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। इसकी बात करें तो इन दोनों में से इसमें क्या है दोस्तों, CWH है, इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसकी 5 अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए बेंजोइक एसिड इज मोर एसिड देन फिनोल। और इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं है, इसका मतलब इसकी। उसके बाद में कौन आता है दोस्तों, उसके बाद में आपका वाटर आता है। ठीक है, इसकी KA की वैल्यू क्या रहती है, मेथेनॉल की ज्यादा रहती है कंपेयर टू वाटर से। ठीक है, इसलिए मेथेनॉल इज मोर एसिड देन पानी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा एसिडिक संयंत्र किसकी मिली, फॉर्मिक एसिड की, उसके बाद में बेंजोइक एसिड की, उसके बाद में कार्बोलिक की, उसके बाद में कार्बिनोल की। तो कौन आ जाएगा, ए बी सी डी आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है दोस्तों अपने को बेसिक संयंत्र दे रखी है। और बेसिक संयंत्र में अपने बार बार कहते हैं कि एक ही ऑर्डर याद रखो मस्त तरीके से, कभी सवाल गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी इस ऑर्डर में, ग्वानिलीन बोलते हैं, अगर यहाँ पे दो इधर भी NS2 लगा दें और इधर भी NS2 लगा दें तो सबसे ज़्यादा किसकी मिलती हैं बेसिक संयंत्र, इसी की रहती हैं। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस M का काम करेगा और एक रिलीज करेगा। ठीक है, उसके बाद में अपन किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, प्लस आई वाले इंक्रीज करते हैं, माइनस आई वाले डिक्रीज करते हैं। उसके बाद में दोस्तों EN के अकॉर्डिंग देखते हैं, EN डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कंजूसी के, जिसकी EN ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंजूस होगा, यानी कि लोन पेयर डोनेटिंग नेचर उतनी कम होगी। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि लोन पेयर इन रेजोनेंस, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो बेसिक संयंत्र डिक्रीज हो जाती हैं। फिर देखते हैं कि लोन पेयर इन एरोमेटिसिटी, अगर एरोमेटिसिटी में यानी कि लोन पेयर के पार्टिसिपेट करने से एरोमेटिक हो जाता है तो बेसिक संयंत्र उसकी क्या रहती है दोस्तों, जमीन में दबी हुई रहती है, यानी कि सबसे लिस्ट बेस होता है वो। तो यहाँ फोर्थ की बात करें तो दोस्तों क्या दे दिया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये कैसी है, एरोमेटिक है, यानी कि इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करने से एरोमेटिक हो रहा है, तो सबसे लिस्ट बेस कौन सा मिलेगा आपको, फोर्थ मिलेगा। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये sp2 हाइब्राइड है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो देखो सबसे ज्यादा बेसिक संयंत्र किसकी मिलेगी, पहले की। उसके बाद में सेकेंड में रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं है तो EN के अकॉर्डिंग देख लेंगे ये तो, और इसमें क्या है रेजोनेंस है तो रेजोनेंस के कारण बेसिक संयंत्र क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड और उसके बाद में थर्ड। तो कौन सा ऑर्डर आ जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा फर्स्ट, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, कौन सा आंसर मिल जाएगा दोस्तों, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो दोस्तों कौन सा दे रखा है अपने को, 67 नंबर सवाल। देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं, या तो रेजोनेंस होना चाहिए दोस्तों या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि जितने ज़्यादा होंगे उसकी उतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो देख लो इसकी स्टेप अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोस्तों, एक तो दे रखा है ट्रांस टू ब्यूटीन, एक अपने को क्या दे रखी है सिस टू ब्यूटीन, एक अपने को क्या दे रखी है दोस्तों 1-butene, उसके बाद में क्या दे रखी हैं 2-butene, और साथ में क्या दे रखा है 2-methyl। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों तो इसके पास है, कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 9 है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मात्र 2 हैं, इसके पास कितने हैं 6 हैं, और इसके पास भी 6 हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी मिलेगी दोस्तों, फोर्थ की। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड में ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, अभी अपने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ठीक है, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में सिस की, उसके बाद में थर्ड यानी कि 1-butene है, 1-butene के पास अल्फा हाइड्रोजन लेस है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4-1-2, 4-1-2-3, 4-1-2-3, कौन सा आंसर मिल जाएगा दोस्तों, सेकेंड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है अपने को, 68 नंबर सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ाने वाले लोगों की बात हो रही है, प्लस वाले इंक्रीज करते हैं, यानी कि ESR बोल दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दो, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन बोल दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, प्लस वाले क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते हैं और माइनस वाले डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे।
तो प्लस वाले इंक्रीज करेंगे बेंजीन वल्या पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को बढ़ाएंगे और माइनस वाले क्या करेंगे, टांग खींचेंगे। तो देख लो दोस्तों, एनिसोल और एनिलीन फिनोल और नाइट्रोबेंजीन दे रखा है अपने पास। क्या है एनिलीन, एनिलीन का कौन सा इफेक्ट होता है यानी कि एनएस टू, और एनएस टू का कौन सा इफेक्ट है प्लस एम, ये इंक्रीज करने वाला है। दूसरे की बात करें तो क्या दे दिया अपने को, एनिसोल दे दिया, एनिसोल यानी कि बेंजीन पे ओ सी एस थ्री लगा दें तो एनिसोल यानी कि ये भी कौन सा इफेक्ट है प्लस एम। फिर अपने को फिनोल दे रखा है और ओ एच कौन सा इफेक्ट है प्लस एम है, और नाइट्रोबेंजीन यानी कि एनओ टू कौन सा इफेक्ट होता है माइनस एम इफेक्ट होता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप हो गया, ये बेंजीन वल्या पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को क्या करेगा, घटाएगा। तो सबसे ज्यादा प्लस एम किसका होता है, एनएस टू का, उसके बाद में ओ एच का, उसके बाद में क्या आ जाएगा ओ आर का यानी कि ओ सी एस थ्री का। तो सबसे ज्यादा किस में मिलेगी, एनिलीन में, उसके बाद में फिनोल में, उसके बाद में एनिसोल में, और फोर्थ वाले पे क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपने, फर्स्ट थर्ड सेकेंड और फोर्थ, कौन सा आंसर मिला थर्ड। नेक्स्ट सवाल 69 नंबर सवाल, क्या कह रहा है आपने, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है दोस्तों। सबसे ज्यादा ए बी सी, ए फॉर एरोमेटिक, बी फॉर बैकबॉन्डिंग और सी फॉर सीपीएम, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक की, उसके बाद में ब्रिज हेड एटम की, और उसके बाद में सीपीएम डांसिंग रेजोनेंस की। तो देख लो इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है और रेजोनेंस मोर इफेक्टिव होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसमें रेजोनेंस है, ब्रिज हेड एटम है, ब्रिज हेड एटम कैन नॉट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर यानी कि उसके ऊपर sp2 हाइब्रिड नहीं रह सकता, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं हो सकती। फिर अपन बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, 2π इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट क्लोज कॉन्जुगेशन है, तो ये कैसी होगी एरोमेटिक। तो ए बी सी याद रखो दोस्तों, ए फॉर एरोमेटिक, बी फॉर बैक बॉन्डिंग और सी फॉर सीपीएम। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, एरोमेटिक यानी कि कौन सा आंसर फोर्थ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो कौन सा दे रखा है 70, देखिएगा दोस्तों 70 नंबर सवाल, विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल यानी कि रेजोनेंस है तो वो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें रेजोनेंस है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो जिसमें जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या मिलेगी ज्यादा, कौन सा आंसर फोर्थ। 71 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो कार्बेनायन, कार्बेनायन बेसिक सेंथ का अभी अपने थोड़ी देर पहले ऑर्डर की बात की थी, तो कार्बेनायन का ऑर्डर उसका उल्टा कर दो बेसिक सेंथ का, यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है, नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। उसके बाद में देखना है कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी सेकेंड नंबर पर रहेगी। उसके बाद में ईएन के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद में माइनस वाला इंक्रीज करेगा, प्लस वाले क्या कर देंगे दोस्तों, डिक्रीज कर देंगे। तो अब देख लो फर्स्ट में अगर अपन बात करें तो देखो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या हो गया, 6π इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट इज एरोमेटिक, इसका मतलब इसी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। देखते ही टिक मारने वाला सवाल है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिड है, प्लस आई दे रखा है, sp3 हाइब्रिड कार्बन दे रखा है यानी कि, और क्या दे रखा है, अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं यानी कि प्लस आई इफेक्ट दे रखा है, और प्लस वाले क्या करेंगे दोस्तों, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे रेजोनेंस दे रखा है, यहाँ पे आंटी बन गई दोस्तों, और कोई आंटी बनना पसंद नहीं करती, यानी कि 4π इलेक्ट्रॉन कैसी हो गई, आंटी हो गई। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी मिल गई थी, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करें तो कौन सा दे दिया, 72 नंबर सवाल दे रखा है दोस्तों, कार्बधनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है, कार्बोकैटायन की ऑर्डर की अगर अपन बात करें, कोई एरोमेटिक हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद में बैक बॉन्डिंग बंधन कैसा है, ये अनजाना, ना तूने जाना ना उसने जाना, ठीक है, तो जाना किसने, दोनों ने नहीं जाना, तो बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा, उसके बाद में सीपीएम की। तो देख लो दोस्तों किस में बैक बॉन्डिंग हो रही है, देखो इसमें बैक बॉन्डिंग है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग है, और इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है दोस्तों, तो इसका कौन सा इफेक्ट हुआ, माइनस आई, इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं है तो इसका भी कौन सा हुआ, माइनस आई, माइनस आई ज्यादा किसका है दोस्तों, OH का ज्यादा होता है और NH2 का कम होता है, ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग इन दोनों में बैक बॉन्डिंग है, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा किसकी होगी दोस्तों, EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंजूसी के, जिसकी EN ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा कंजूस होगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कंजूस ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन, इसका मतलब जल्दी डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन, इसका मतलब थर्ड की सबसे ज्यादा मिली, उसके बाद में सेकेंड की, उसके बाद में फोर्थ की, और उसके बाद में किसका नंबर आएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस आई के अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो फर्स्ट, तो 3241, देखिए कौन सा आंसर मिल गया अपने को, सबसे ज्यादा यानी कि सेकंड
3241 3241 सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देख लो कौन सा है, 73 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है, एसिडिक सेंथ। तो एसिडिक सेंथ की बात करें तो माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करते हैं। तो सबसे ज्यादा पिक्रिक एसिड तो देखते ही टिक मारने वाला है, पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, सेकंड की। उसके बाद में इसका माइनस एम इफेक्ट है, इसका भी माइनस एम इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए अपन बोलते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिड देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी एसिडिक सेंथ कम हो जाती है। यहाँ बच्चे हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सवाल है ये, पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिड देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इंट्रा मोलिकुलर। अब लोग सोचते हैं कि इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जी दोस्त स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो वो एसिड उतना ही स्ट्रोंग होता, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसका मतलब इसकी एसिडिक सेंथ कम हो गई। क्यों? क्योंकि एसिडिक सेंथ अपने किससे कंपेयर करते हैं कि एच जितना जल्दी रिलीज हो जाएगा वही उसकी एसिडिक सेंथ है। तो सबसे ज्यादा सेकंड की, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में किसका नंबर आएगा, थर्ड का, और उसके बाद में फर्स्ट का। माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन मिल जाएगा, सेकंड फोर थ्री, सेकंड फोर थ्री वन, यानी कि थर्ड आंसर। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, पार्ट सेकंड में अपने दो सवाल हैं, 86 और 87। तो देखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया है, बेसिक सेंथ पूछा गया है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर अपने को क्या दे रखा हो, CH3 दे रखा हो, तो अपने क्या यूज करते हैं, 21-30 का इस्तेमाल करते हैं, और अगर अपने एथाइल ग्रुप दे रखा है तो क्या यूज करते हैं, 23-10 का इस्तेमाल किया जाता है। 23-10 यानी कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और 0 डिग्री किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, अमोनिया को। अमोनिया वही है जिसको सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, ज़्यादा सूंघने पर घरवालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी अपने को, एथाइल दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, यानी कि फोर्थ आंसर। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है अपने को, 87 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पूछी गई है। EN जिसकी ज़्यादा होगी उसके नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंजूसी के, उतना ही ज़्यादा कंजूस होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, SP हाइब्रिड है, क्यों, क्योंकि S करेक्टर इंक्रीज होते हैं तो EN बढ़ती है, EN बढ़ेगी तो कंजूसी भी बढ़ती है, उतनी ताकत बढ़ती है इंसान में। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ SP हाइब्रिड है, ये कौन सा है, SP3 है, ये कौन सा है, SP2 कार्बन है, और ये भी कौन सा है, SP3 है, बट यहाँ इथाइल दे रखा है और यहाँ मिथाइल दे रखा है, और इथाइल और मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, और प्लस वाले क्या करते हैं, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो सबसे ज्यादा अपने को कौन सा मिलेगा, फोर्थ, उसके बाद में कौन सा है, सेकंड, यहां प्लस आई कम है, यहां प्लस आई ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा, थर्ड, उसके बाद में कौन सा रहेगा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, 4 2 3 1, यानी कि सेकेंड आंसर की ओर इशारा हुआ। ये था दोस्तों अपने पेपर सोल्यूशन, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हेलो फ्रेंड्स, Myself नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे MS2, मैं डिस्कस करूंगा जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री। तो सेक्शन ए में 74 क्वेश्चन, इफ वांट हाफ फैक्टर ऑफ 0.1 m बेरियम नाइट्रेट, 0.1 m बेरियम नाइट्रेट, 0.1 m बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। अब इसे पूछा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर इसका दिया हुआ है। तो अल्फा इक्वल टू आप जानते हो I-1 / क्या होता है, N-1। तो बेरियम नाइट्रेट को ब्रेक अगर किया जाए Ba+2+2 NO3-1, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3।
एन की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू आई दिया है 2.74 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 1.74 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आएगा ना, तो ये आंसर चला जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट टू बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 25%। तो आप देखो, इसमें कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है कि हमें ये नहीं पता लगता कि ये मतलब डायलूट लेना है कि डायलूट नहीं लेना है। उससे बचने के लिए आप डायरेक्ट ये कर लो फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस अपॉन एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस दिया हुआ है आपको बाई 25। अगर ये 25 है तो मतलब ये 100 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 75। ठीक है, इक्वल टू एन ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्वेंट 100 बाई 18, ये आ जाएगा कितना 5.55, ये हो गया 1/3। तो देखो ये कितना आ रहा है, इसको इधर कर दो, 5.55 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एन ऑफ सॉल्यूट। अब आपसे पूछा क्या है इसमें, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो इसका हमें मोलर मास चाहिए होगा ना, ग्राम बाई यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसका मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का 60। तो ये हो जाएगा 60, सो ग्राम इक्वल टू आ गया 5.55 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 111, हाँ 111 ग्राम आ जाएगा। तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, थर्ड। नेक्स्ट, एट 88 डिग्री बेंजीन हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 900 टॉर, वेपर प्रेशर ऑफ 900 टॉर एंड टॉलवीन हैज वेपर प्रेशर 360। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द मिक्सचर विद टॉलवीन दैट विल बी बॉयल एट 88 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर ना। तो जिसका आप जानते हो बॉयलिंग पॉइंट कब होता है, जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो पी एस इक्वल टू, ठीक, पी नॉट ऑफ टॉलवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन प्लस पी नॉट ऑफ बेंजीन, पी नॉट ऑफ, चलो भाई बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो ये अपन बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर में ही ले लेते हैं इसको। अच्छा ये देखते हैं किसमें दिया है, 900 टॉर में, तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है 760 टॉर, और पी नॉट ऑफ टॉलवीन बेंजीन है इस वेपर प्रेशर, टॉलवीन का दिया है 360। अब इसके बाद व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन मिक्सचर विद टॉलवीन दैट विल बी बॉयल एट 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो 360 एक्स ऑफ टॉलवीन को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है 900 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दें तो 760 इक्वल टू कितना आ जाएगा, या थोड़ा सा देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन थोड़ा डायरेक्ट, तो जैसे पी एस इक्वल टू पी नॉट ऑफ मान लीजिए बेंजीन माइनस पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पी नॉट ऑफ टॉलवीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑफ टॉलवीन। ये डिराइव्ड फार्मूला है वही जो पहले लिखा हुआ था। तो पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना है 900 माइनस 360, 900 माइनस 360 ये हमें निकालना है, प्लस पी नॉट ऑफ 3, ये 360 हो गया, इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर पे कितना होगा 760। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू 900 माइनस 360
into mole fraction of benzene. अब इसको माइनस करो, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 540, ठीक है, नहीं ये 60 हो गया, 4, 5, ठीक है, तो ये कर लीजिए इसको ऐसे, तो 5, 5, 8, 40, 5, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आना चाहिए, 0.77 के आसपास आना चाहिए, मतलब 8 से तो कम ही टाइम से जाएगा, तो ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर इफ पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इज एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है एक्स, पी नॉट ए दिया हुआ है, पी नॉट ए भी दिया हुआ है, अब क्या करें इसका, पार्शियल वेपर प्रेशर होती है, तो सीधा सीधा सा ही हो गया कि पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स, ए ऐसे होता है, पी नॉट ए हो गया, पी नॉट ए हो गया, और एक्स ए की जगह क्या दिया है, एक्स दिया है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सेकेंड आंसर हो जाए, फॉर्मूला बेस्ड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एंड फॉर्मर, मतलब ए में ए स्ट्रॉन्गर मॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, मतलब कम वोलेटाइल होगा, और जो कम वोलेटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर क्या होता है, कम होता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर क्या होता है, कम होता है। अब अच्छा देखते हैं, इफ एक्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन एंड इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, तो एक्स जो है, ए जो है ना वो लेस वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल है, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा वन से, जो रेशियो होता है, मतलब एक्स ए डैश डिवाइडेड बाई एक्स ए इज लेस देन वन, जो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट है उसका एक से कम ही होगा, लेस वोलाटाइल है तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड इन वेपर से क्या होगा, ज्यादा होगा, लेस वोलाटाइल है तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, ज्यादा होगा रादर देन वेपर, तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो लेस देन वन ही आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कुल मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सोल्यूशन कैन वी एक्सपेक्ट टू बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर, आइसोटोनिक कंसीडर क्या है, I1C1 इक्वल टू I2C2, आई लगाना पड़ेगा ना, तो देखो इसका आई यूरिया का 1 × 0.1 इक्वल टू इसका 0.1 मोलर है और इसका आई कितना हो जाएगा 2, तो दोनों बराबर तो हुए नहीं, इसका मतलब ये आइसोटोनिक नहीं है, अब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसको देख लो 0.1 है, इसका आई 2 होगा, इसका आई, इसका देख लेते हैं 0.1 मोलर इंटू आई 3, 0.1 मोलर इंटू आई 3, तो ये वाला क्या हो जाएगा आइसोटोनिक, I1C1 इक्वल टू I2C2। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अरे फ्रीज तो सॉल्वेंट करेगा ना, तो सॉल्वेंट जैसे मान लो वाटर है, फ्रीजिंग पॉइंट पर वाटर सॉलिड ही वाटर क्या होगा लिक्विड, इसी में इक्विलिब्रियम पे होगा, तो सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सॉल्वेंट ही होता है इसमें, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, तो आप जानते हो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होता है,
greater than 0, delta H mixing equal to 0, delta V mixing equal to 0, delta G mixing less than 0. ये होता है, अब मिला लो। अच्छा, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है अपना, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, बिकॉज कोई इंट्रैक्शन तो होता नहीं है, तो नहीं हीट एब्जॉर्ब हो रही है, नहीं वॉल्ड हो रही है, यस। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना आएगा उसका, 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिग, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं होता है, तो नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये आंसर हमारा चला जाएगा, नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी हैज टोटल वेपर प्रेशर, इस तरह से तो कंपेयर कर लो इसको, ठीक है, यस। तो P इक्वल टू 254 माइनस 119 एक्स ए। अब P नॉट ए, P नॉट भी निकालना, कई तरह से कर सकते हैं। इफ आप जानते हो जब एक्स ए इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, P नॉट ए के बराबर हो जाएगा, कैसे कैसे, P ए इक्वल टू क्या होता है, P नॉट ए एक्स ए, अगर एक्स ए 1 हो गया तो P ए किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट ए के बराबर हो जाएगा, और एक्स बी क्या हो जाएगा इसका 0, तो पी बी भी क्या हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू पी एस। तो इसी पर रख लो, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 1 अगर है तो जो अब बताएगा वो क्या बताएगा, पी नॉट ए को बताएगा, मतलब 254 माइनस 119, ठीक है। और अगर ये पहला हो गया, और अगर मैं एक्स ए इक्वल टू 0 रख दू, मतलब एक्स बी इक्वल टू 1, तो P नॉट B को बताएगा, सो P नॉट B इक्वल टू कितना जाएगा, 254 माइनस 119 इनटू 0, ये आ गया। तो टू P नॉट A कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 254, ठीक है, और इसको माइनस करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ, तो आप जानते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इक्वल टू फॉर NaCl, फॉर NaCl, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सो अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अब अल्फा निकालना है तो हमें आई निकालना पड़ेगा, आई इक्वल टू आप जानते हो कैलकुलेटेड बाई ऑब्जर्व्ड, अब कैलकुलेटेड इसका कितना होता है 58.5, ऑब्जर्व्ड है 31.8, ये आई आ गया, तो इसको इसमें रख लो, एन की वैल्यू 1 आ गई, सो अल्फा इक्वल टू 58.5 डिवाइडेड बाई 31.8 माइनस 1, ये आएगा अल्फा, ठीक है। परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना आ सकता है, अप्रोक्सीमेट मार देते हैं, तो 3 करीब 8 के आसपास आना चाहिए ना, 8, ठीक है, 84 का फर्स्ट, 84 का फर्स्ट आ रहा है, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन आपने कर लेना इसका, ठीक है, क्योंकि 1 कुछ करके आएगा, 54 18, 74, 19, ठीक है, तो 18 पॉइंट करके कुछ आएगा,
मतलब वन ए करोगे ना तो ये आएगा 1.8 कुछ करके आएगा, और ये माइनस भी करना है और 100 से मल्टी, ये आ जाएगा आंसर इसके आसपास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप जानते हो आई इंटू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। अब देख लो आई इंटू सी किसका ज़्यादा है, आई इंटू सी इसका आई कितना आ जाएगा, अगर 100 तो कितना आ जाएगा 3 × 10⁻², या इंटू सी हो गया 2 × 10⁻², तो ये आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का हो गया, फिर इसमें 85 का आई इंटू सी करके देख लीजिए, आई इंटू सी जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो आप जानते हो मिनरल एसिड, मिनरल एसिड प्लस वाटर, अब मिनरल एसिड को वाटर में डाल के देखो हीट इवॉल्व होगी इसमें से, हीट इवॉल्व मतलब डेल्टा एच क्या आएगा नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव किसमें होता है नेगेटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में, तो ये और ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखो इसमें एनसीईआरटी में ही वैसे तो एग्जांपल ये है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्या बनाते हैं नेगेटिव डेविएशन बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा सेकेंड, द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे उसने तो डेफ। तो देखो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अभी बताया था, अभी आपको लिखा था कि आई इंटू सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव, कोलिगेटिव कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो आएगा, रेशियो रेशियो मान लो फॉर KCl ओवर ये क्या लिख दिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर KCl ओवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर क्या दिया है शुगर, डायरेक्ट I1C1 डिवाइडेड बाई I2C2, ठीक है, नियरली नियरली बोला है ना, तो नियरली क्या होगा भाई जो भी होगा इसका क्या होगा डबल ही होगा, क्योंकि इसका आई क्या होगा, द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ KCl सॉल्यूशन टू दैट ऑफ सुगर सॉल्यूशन, ना सेम सुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, नियरली नियरली कितना हो जाएगा KCl का 2 इसका 1, नियरली क्या होगा 2 times, नियरली 2 times हो जाएगा आई इंटू सी से, फॉर सेम KCl सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन से कंपेयर करोगे ना, तो KCl सॉल्यूशन और सुगर सॉल्यूशन, KCl का आई जो है वो ज्यादा होता है ना सुगर सॉल्यूशन से, सुगर से तो ऑलमोस्ट क्या आएगा डबल आ जाएगा, अगर 100% डिसोसिएशन है तो डबल ही हो जाएगा, ठीक है, तो 89 का क्या आ जाएगा हमारा थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सो 0.1 मोल H3PO(X) इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाई इतना ग्राम, देन KOH, ठीक है, तो H3PO(X) को KOH से न्यूट्रलाइज किया, तो इसका मोल दिया है इतना, इसका n फैक्टर निकाल लेता हूँ मैं, और इसका 5.6 ग्राम दिया है, ये 56 होता है मोलर मास n फैक्टर 1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, n फैक्टर 1 आ रहा है, n फैक्टर 1 किसका होता है, किस एसिड का होता है फास्फो, H3PO2 का होता है, मतलब X की वैल्यू क्या है 2 है, एंड डज नॉट फॉर्म एसिडिक सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अगर सॉल्ट बनाएगा कोई एक ही बनाएगा NaNHPO2, तो ये एसिडिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस पे जो दो हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं वो एसिडिक नहीं है, एक ही तो होता है इसमें, इन फैक्टर ऐसा कितना होता है 1, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो तो खत्म हो चुका है,
तो ये आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, थर्ड आंसर चला जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन, अलग अलग कर लो इसको, NH4 पॉजिटिव ऐसे कर लो, NO3 नेगेटिव, इस पर निकाल लो, N पर आएगा -3, X वाला फॉर्मूला लगा लो, इसके N पर कितना आएगा +5, -3 कहाँ पे दिख रहा है, फोर्थ में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ N2H4 लूजेस 16 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, N2H4 कुछ बना रहा है, Y बना रहा है, और ये 16 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये दो मोल है तो 16 मोल्स लूज कर रहा है, तो एक मोल कितना करेगा, 1 मोल अगर होगा तो 1 मोल कितना लूज करेगा, 8, 1 मोल N2H4 लूज कर रहा है, मतलब दोनों N मिलाकर 8 लूज किए हैं, तो एक ऑक्सीडेशन नंबर तो एक पर निकालोगे ना, तो एक 1 नाइट्रोजन एट 1 N कितना लूज किया होगा, 4 लूज किया होगा, फोर लूज किया होगा। अब देखो एक एन पर इसके कितना चार्ज है, माइनस टू है, और अगर फोर लूज करेगा तो जो वाई आएगा उस पर चार्ज कितना आएगा, +2, और इसमें से फोर निकाल दो तो उस पर कितना चार्ज आएगा, +2 आ जाएगा, तो आंसर कौन सा हमारा चला जाएगा, थर्ड। K2Cr2O7 इतना है, चलो भाई तो K2Cr2O7 ये किससे रिएक्ट किया, X plus N से जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, XO3-1 में, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, +5, तो चलो ठीक है ये प्लस, तो इसमें देखो इसका है मोल कितना दिया है, 6 × 10, N फैक्टर इसका कितना आएगा, 6, इसका मोल दिया हुआ है 9 × 10⁻³, इसका N फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 − N। अब यहां से आप निकाल लो इसको, ठीक है, तो 4 टाइम ये गया, ये कट गया, ये 4 हो गया, ये 5 − N हो गया, ये इधर कर दो, N इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सही है, चलो आ गया, ये फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4H+ Mn+2CO2, दे आर कोफिशियंट ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखो इसमें आप ऐसे कभी आ जाए तो क्रॉस कर लिया करो, जैसे देखो इस पर आ जाएगा +7 और इस पर आ रहा है, अच्छा यहाँ तो कितने का चेंज आया, 5 का, इस पर आएगा 4 × 6 −2, 4 +2 आएगा, सॉरी 4 × 8 +3 आएगा, +3 से +4 गया, 1 का चेंज आया × 2। अब इसको क्रॉस कर दिया करो, ऐसे क्रॉस कर दो, मतलब 2 इधर 5 इधर, 2 5 आएगा, आंसर फर्स्ट हो गया, ऐसे कर लो ना, इसका इधर लिख दो चेंज, ये जो चेंज आया इसका इधर लिख दो, ऐसे क्रॉस मैच करा लो, कोई एक ही मैच अगर कर रहा है तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे कोई है ही नहीं तो फटाफट फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड, ये दिया हुआ है, हियर इक्विवेलेंट, मतलब N1V1 इक्वल टू क्या करना है हमें, N2V2। अब इसका इक्विवेलेंट देख लेते हैं कितना है, 20 ml है, 0.1 m × n फैक्टर कितना होता है, 5, तो 20 × 0.5 तो कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, मतलब हमें 10 लाना है इधर तभी इक्विवेलेंट होगा वो। अब 10 देखो किस में आ रहा है, 10 किस में आ जाएगा, ये शायद आ रहा है, ये एक बार चेक करते हैं, 25 × 0.2, इसका n फैक्टर कितना आता है, 2 आता है, ठीक है, तो ये हो गया 25 × 0.4, तो ये कितना आएगा, 10 आ जाएगा, यस, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट का मतलब N1V1 = N2V2, तो अगर इसका 10 आ रहा है तो इधर इक्विवेलेंट कौन है, मतलब NV की वैल्यू 10 किसकी आ रही है। रेशियो ऑफ मोल ऑफ Fe+2 ऑक्सीडाइज बाई
इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वी मोलर, इक्वल वॉल्यूम भी है इक्वी मोलर भी है, कोई बात नहीं है, मोल तो मान लेते मोल वन, इन फैक्टर फेरस का कितना आएगा वन, वॉल्यूम वी है, मोलैरिटी एम है, एन फैक्टर इसका कितना है KMnO4 का फाइव, भाई मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 या जो भी, ये पहला आ गया। दूसरा उसी तरह से N2 इंटू एन फैक्टर तो इसका वन ही आएगा, वॉल्यूम वी एम और K2Cr27 का एन फैक्टर कितना आएगा सिक्स, इसको डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा, तो N1 बाई N2 कितना आ जाएगा 5/6, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोल ऑफ इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट है ना एंड फेरस ऑक्सिलेट, फेरिक ऑक्सिलेट Fe2C2O4 थ्राइस प्लस फेरस ऑक्सिलेट Fe2C2O4, तो इसका एन फैक्टर कितना होता है सिक्स, इसका एन फैक्टर कितना होता है थ्री। अब क्या करना है, कितना, अच्छा इनको इक्वी मोलर है, वन मोल है, ये वन मोल मिक्सचर है बट इक्वी मोलर है, मतलब 0.5 मोल ये है, ये भी कितना है 0.5 मोल। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 का कितना लगा, तो KMnO4 इक्वल टू KMnO4, तो KMnO4 का X बोला है N, N फैक्टर कितना होता है 5, ये आ गया इसका, ये आ गया इसका, प्लस कर लो इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है इक्वल टू ये आ गया, तो ये कितना रहा है 3 प्लस ये आ जाएगा 1.5 एक्स इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 4.5 एक्स इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 5, 0.9 के आसपास आना चाहिए, 0.9 मोल, तो 0.9 मोल आ रहा है आंसर, सेकेंड हो जाएगा हमारा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन CaOCl2, CaOCl2 तो CaOCl ब्रेक कर लो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, इसको ब्रेक कर लो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, ये प्लस आएगा यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव शो कर रहा है और एक क्या शो कर रहा है नेगेटिव, थर्ड आंसर चला जाएगा इसका। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन कैरो एसिड एंड मार्शल्स एसिड, ना मार्शल्स एसिड H2S2O8 कैरो एसिड H2SO5, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, ये आ गया कैरो एसिड मार्शल्स एसिड, तो दोनों पर आप देखो 1, 2, 4, 5, 6 प्लस 6 आएगा 2, 4, 5, 6 यहाँ भी प्लस 6 आ गया 2, 4, 5, 6 दोनों पर क्या चार्ज आना चाहिए प्लस 6 ऐसा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्ट्रक्चर बना के चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन Br2 disproportionate into Br negative plus BrO3 negative. Then the equivalent of Br2, equivalent or equivalent weight, ना? Equivalent, ये क्या है? Equivalent weight लिखा हुआ है ना? तो इसका निकाल लो, 0 से minus 1, 2 का आएगा change, 0 से plus 5, 10 का आ जाएगा, तो 1/n total equal to 1/n12 हो गया प्लस 1 ये हो जाएगा इतना, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 5 1 ये 6/10 आ गया दैट इज 3/5, तो n टोटल कितना आ जाएगा 5/3, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा मोलर मास बाय n फैक्टर दैट इज 5/3, तो कितना आ जाएगा 3m/5, थर्ड आंसर चला जाएगा। तो ये था सारा आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इसमें होगा वो
एक दूसरे सर आपको डिस्कस करेंगे। तो पेपर काफ़ी इजी सा था और स्कोरिंग था, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।